दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था प्रीफिक्स क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सफिक्स, सफिक्स का इस्तेमाल सीखेंगे। तो हम समझते हैं, हमारे हिसाब से प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों भाई बहन है, या दोनों बहुत अच्छा दोस्त है। किसी वर्ड के पहले प्रीफिक्स आएगा, किसी वर्ड के पहले सफिक्स आएगा, बस प्रीफिक्स पहले आ जाएगा, सफिक्स बाद में आएगा। तो फिर दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सफिक्स बाद में आएगा। अब उदाहरण देंगे, एग्जांपल देंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सफिक्स बाद में क्यों आता है, कैसे आता है, फिर आप समझ जाएंगे आसानी के साथ। इसमें ज्यादा कुछ समझने की चीज नहीं है, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत कम समय में कुछ उदाहरण देके आपको समझाएंगे, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक वर्ड है रिफ्यूज, रिफ्यूज है, इससे बन गया रिफ्यूजर। केयर, केयरलेस। क्रिटिसाइज, क्रिटिसिज्म। केयर, केयरफुल। टाइगर, टाइग्रेस। फ्रेंड, फ्रेंडली। चाइल्ड, चाइल्डिश। वुमेन, वुमेनहुड। नोटिस, notify. near, nearness. दोस्तों, आप देख रहे हैं जितना भी अंडरलाइन किया हुआ है, ये ly, ये देख रहे हैं childish, womanhood, ये hood लग गया, notify में ये देखिए notify, near, nearness, इतना देखा है, ये अंडरलाइन किया हुआ एल लेस इज फुल एस, ये सब का सब सफिक्स है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड के लास्ट में क्या जोड़ा जाता है, और भी सफिक्सेस हैं, लेकिन आज छोटा सा वीडियो है, छोटे से वीडियो में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ज्यादा चीज मैं लेके नहीं आता हूँ, आपको प्रॉब्लम होगा, आपका ज्यादा समय लगेगा, तो कम समय में थोड़ी सी बात बताया मैंने आपको, क्लियर हो गया होगा कि सफिक्स लगा के नया वर्ड कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, आपने सफर शुरू कर दिया हमारे साथ, हमारे चैनल से जुड़ गए हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, तो ये सफर जारी रहे, वीडियो देखते रहे लगातार। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कि आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।